एक मुट्ठी चना भिगाई थी मैं रात में, वो ले लिया हूँ, वो मेरा प्लेट में रखा हुआ है थाली में। और मैं ये दो प्याज कट कर रही हूँ बारीक बारीक, और मैं इसमें नींबू भी डालूंगी कट करके, नींबू का रस, उससे खाने में बड़ा टेस्टी और हेल्दी होगा। और शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं, और जिसे बीमारी नहीं है वो भी खा सकते हैं। ये खाने में बड़ा हेल्दी और स्वादिष्ट होता है। और मैंने इसमें सब कुछ ली हूँ, चना ली हूँ, मूंग और बादाम के 10 दाने, और दो मुट्ठी मूंग और एक मुट्ठी चना और एक मुट्ठी मूंगफली के दाने और दो प्याज, सारे मिक्स करके इसमें काला नमक भी डालूंगी। और मैंने ये दो प्याज बारीक बारीक कट कर ली हूँ। बोलो। इसको मैं ये नीचे पीछे की भाग में हटा दी हूँ कट करके, और मैं ये गोल गोल काट करके प्याज में मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैं 3-4 गाजर डालूंगी, 3-4 गाजर। और मैं ऐसे दोनों, ये मैं देहाती गाजर लाई हूँ जो बड़ा हेल्दी और तंदुरुस्त होता है खाने में, और मुझे ये 25 साल बाद मिला है ये गाजर। मैं बहुत ढूंढी पर मेरे को कल बाजार में मिला, मैं मार्केट से खरीद के लाई हूँ। और अगर आप अगर देखें कहीं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजना। छुट्टी नहीं। और इसमें मैं सारी चीज मिक्स कर रही हूँ, मूंग और मूंग सारा डाल दो आंटी। और मैं सारी चीजें इसमें डाल दी हूँ भर भर के। अब मैं डालूंगी इसमें वो नींबू का रस, इसका मैं बीज निकाल देती हूँ चाकू से। और मैंने ये बीज निकाल दिया, और मैं इसके ऊपर रस डालूंगी नींबू का, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है, जिसे कोई भी खा सकता है, बड़ा बुजुर्ग, बीमार और अच्छे, जो नहीं बीमार है वो भी, सबके लिए तंदुरुस्त होता है खाने में। और ये मेरा छोटा बेटा वीडियो बना रहा है, और बड़ा बेटा को ज़्यादा पसंद है, और वो सुबह सुबह रोज खाता है। ऐसे हम सारे फैमिली खाते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा पसंद है। और मैं स्वाद अनुसार नमक डालने जा रही हूँ, काला नमक जितनी हो आपके पास उतनी आप डाल सकते हैं। और मैं इसे इसमें 1-1.5 चम्मच डाल दी हूँ, और ये मेरा खाने के लिए रेडी है। और मैं इसे हाथ से मिक्स कर रही हूँ, और देखना ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इसमें मैं काली गाजर भी डाली हूँ जो मैंने मार्केट से लाई, और ये देखना मेरा कितना सुंदर देखने में लग रहा है, टेस्टी।